CIA, FBI, मुसाद या फिर रॉ, ये सब दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसियों के नाम हैं। पर अगर इस लिस्ट में एप्पल को जोड़ दें तो आपको ये मजाक लगेगा। वैसे आप सही हैं, एप्पल कोई खुफिया एजेंसी नहीं है, लेकिन इसके ऑफिस का कल्चर और इसकी सफलता की कहानी जाने तो ज़रूर आपको भरोसा हो जाएगा कि ये किसी खुफिया एजेंसी से कम नहीं। तो चलिए आपको दुनिया की नंबर वन कंपनी की अनसुनी कहानियों को सुनाते हैं। कैसे 46 साल पुरानी कंपनी आज दुनिया पर राज कर रही है, क्यों एप्पल की हर चीज़ सीक्रेट रखी जाती है, कैसा है एप्पल का ऑफिस और इसके एम्प्लॉयज़ की कितनी सैलरी है। के इस वीडियो में आज हम जानेंगे एप्पल कंपनी के सारे लेयर्स के बारे में। आइए पहले कंपनी को समझ लेते हैं, फिर इसकी तह में उतरेंगे। एप्पल सिर्फ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि एक ब्रांड है। तभी दुनिया में अच्छा कमाने वालों में 69% लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स रखना पसंद करते हैं। एप्पल ब्रांड के लिए दीवानगी का आलम इतना रहा है कि किडनी बेचने वाली कहानियां आपने सुनी ही होंगी। यहां तक कि कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर आखिरी समय तक चीजें सीक्रेट रखी जाती हैं। आईफोन 14 को लेकर बाजार अभी चर्चाएं कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। खैर, हम कंपनी की बात कर रहे हैं। आईफोन, आईपैड, मैक, एयरपॉड, स्मार्ट वॉच, टीवी और एसेसरीज बनाने वाली कंपनी एप्पल के पास 16 लाख करोड़ रुपए का कैश रिजर्व है। इसका मार्केट कैपिटल 188.49 लाख करोड़ रुपए है। ये 183 देशों के जीडीपी से भी ज़्यादा है। एप्पल की नेटवर्थ से ज़्यादा जीडीपी वाले देशों में बस अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। कंपनी जनवरी 2022 में $3 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी और ऐसा करने वाली वो इतिहास की पहली कंपनी थी। चलिए अब इसके खुफिया वर्क कल्चर को भी जान लेते हैं। एप्पल में काम कर चुके एम्प्लॉयज ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अमेरिकन जर्नलिस्ट एडम ब्लेंसिंस्की ने अपनी बुक इनसाइड एप्पल में भी कंपनी को लेकर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखे हैं। कैलिफोर्निया स्थित एप्पल पार्क ऊपर से देखने पर किसी फुटबॉल स्टेडियम की तरह लगता है। 175 एकड़ में फैली एप्पल की बिल्डिंग एयर टाइट है। कई कमरों के शीशे काले हैं, उन कमरों में कोई खिड़की नहीं है। ये लॉकडाउन रूम कहलाते हैं। बिना किसी ठोस वजह के इन कमरों से कोई जानकारी ना बाहर जाती है और ना ही अंदर आती है। यहाँ रहस्यमय दीवारें हैं, प्रतिबंधित इलाके हैं, यहाँ तक कि कूड़ेदान पर भी बारीकी से नजर रखी जाती है। किसी नए एम्प्लॉय को हायर करने से पहले उसका रोल क्लियर नहीं किया जाता। कई राउंड्स के इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट को डमी पोजीशन के लिए हायर किया जाता है। नए एम्प्लॉय को पहले सीक्रेट्स रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले मैक बक्स से भरे होते हैं ताकि कंपनी में ही बक्स क्लियर हो जाएं। यहाँ तक कि उनको इशूड आईफोन में भी ढेरों बक्स होते हैं। एप्पल के एक्स एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग कंपनी में हर प्रोडक्ट के लिए एक कोड नेम है। स्पेशल टीम में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ बाकी लोगों को नहीं बता सकते कि वो क्या काम कर रहे हैं। मोस्टली एप्पल के एम्प्लॉयज़ फिट दिखते हैं। उनमें कई एथलीट्स हैं जो मैराथन, ट्रायथलॉन में शामिल होते रहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप 20 पाउंड लगभग 9 किलो से ज़्यादा ओवरवेट हैं तो एप्पल में काम करने में मुश्किल आ सकती है। एप्पल में इंटरनल मेल कम्युनिकेशन में भी ग्रामर और पंक्चुएशन से जुड़े बदलाव कर दिए जाते हैं। यानी हर डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन की भाषा में थोड़ा फर्क होता है ताकि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन लीक होने की स्थिति में इसे ट्रैक किया जा सके। अपने क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी पॉलिसीज तैयार की गई हैं। इसके तहत अपनी पत्नी से बात करते वक्त भी कंपनी की नज़र आप पर बनी होती है। एप्पल में सीनियर डायरेक्टर लेवल पर $2 लाख करीबन 1.5 करोड़ रुपये सैलरी मिलती है। इसके अलावा बोनस भी मिलता है। अब कंपनी का सक्सेस फार्मूला भी जान लेते हैं। एप्पल उन कंपनियों में से है जिसने कभी खुद से कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की, बस मौजूदा टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स को इनोवेट करते हुए बेहतर से और बेहतर बनाया। इसी एक फॉर्मूले को मूल मंत्र बनाया। जैसे एप्पल अप्रैल 1976 में बनी तो पहला प्रोडक्ट एप्पल वन कंप्यूटर था। इसे स्टीव वॉजनियाक लेकर आए थे। पर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो 1973 में आ गया था। पहला कमर्शियल पीसी भी 1974 में आया। समय के साथ एप्पल 1, 2, 3 आए और फिर मैक में भी डिज़ाइन, ओएस, प्लेटफॉर्म और इससे जुड़ी एप्लीकेशंस अपग्रेड होती गईं। कह सकते हैं कि एप्पल ने बेसिक चीज़ पर काम नहीं किया,
एप्पल ने MP3 प्लेयर्स नहीं बनाए, लेकिन इनोवेटिव डिजाइंस और सॉफ्टवेयर का इकोसिस्टम बनाकर पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर इंडस्ट्री पर एक दशक से राज कर रहा है। अब ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की होड़ है। लोग आशंका जता रहे हैं कि एप्पल लेट हो जाएगा, लेकिन अतीत पर भरोसा करें तो एप्पल पहले इस मार्केट को समझेगा, फिर सही समय पर सही टेक्नोलॉजी के साथ सामने आएगा। एप्पल में सैकड़ों की संख्या में स्पेशल टीम्स हैं, जिसमें दर्जनों टीम सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट के किसी एक फीचर पर रिसर्च करते हैं। मतलब एप्पल में किस बारीकी से काम होता है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2009 में एप्पल में कैमरा टेक्नोलॉजी के चीफ साइंटिस्ट पॉल हुबल आईफोन का पोर्ट्रेट फीचर डेवलप कर रहे थे। उस समय सिर्फ महंगे और सिंगल लेंस वाले कैमरा यानी सिर्फ DSLR ऐसी फोटो ले सकते थे। पोर्ट्रेट मोड को समझने के लिए दुनिया के बेस्ट फोटोग्राफर्स की बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोज मंगाई गई। इंजीनियर्स की टीम ने उन्हें बारीकी से समझा, एल्गोरिदम बनाई गई, फिर आईफोन 7 प्लस की मार्केटिंग में इस पोर्ट्रेट मोड को भुनाया गया। इन्वेस्टर्स को क्यों पसंद है एप्पल? एप्पल ने पिछले एक दशक में $488 अरब वैल्यू में अपने ही शेयर्स इन्वेस्टर्स से वापस खरीदे हैं, यानी बाय बैक किए हैं। एप्पल हिस्ट्री में आज तक की सबसे अच्छी कैश मशीन है। कंपनी के स्टॉक्स ने 2014 में 40% का रिटर्न दिया, 2017 में 48, तो 2019 में 88, वहीं 2020 में 82% का सालाना रिटर्न दिया। कंपनी ने पिछले एक दशक में इन्वेस्टर्स को 1200% का रिटर्न दिया है। चलते चलते कंपनी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स ने अपने फ्रेंड स्टीव वॉजनियाक के साथ मिलकर गैराज से एप्पल की शुरुआत की। 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया। उनका कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन स्कली से विवाद हो गया था। 1997 में स्टीव की फिर से कंपनी में वापसी हुई। अगस्त 2011 में टिम कुक कंपनी के CEO बने, इससे पहले वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप एप्पल कंपनी के इन एंड आउट के बारे में जान चुके होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी ज्ञान को।